ब्राजील में चोरों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कभी कभी नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग चोरों को अमानवीय सजा देने से भी बाज नहीं आते। इस वीडियो की शुरुआत में एक जख्मी शख्स के सामने एक व्यक्ति गन तान कर खड़ा दिखाई देता है। जख्मी शख्स एक चोर है और उसे देखकर लग रहा है पकड़ने के बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई भी की गई है, लेकिन असली क्रूरता तो अभी बाकी थी। गन लिए हुआ शख्स इस चोर को हाथ दिखाने के लिए कहता है। जब चोर हाथ आगे करता है तो उसके हाथ में ये शख्स गोली मार देता है। चोर भागता है लेकिन ये शख्स उससे चिल्लाकर रुकने के लिए कहता है। चोर नीचे बैठकर हाथ पकड़कर चिल्लाने लगता है। ये शख्स फिर उसके पास पहुंचता है और एक बार फिर उससे हाथ दिखाने के लिए कहता है और हाथ दिखाते ही चोर के हाथ में दूसरी गोली मार देता है। इसके बाद चोर तेजी से चिल्लाते हुए भाग जाता है। दुनिया के कई देशों में बुल के साथ खेले जाने वाले खेल काफी लोकप्रिय हैं। लोग बुल को चकमा देकर खुद को साहसी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस दिन बुल का दांव लग जाता है लोगों को लेने के देने भी पड़ जाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति आगे आगे और बुल उसके पीछे पीछे भागता नजर आता है। ये शख्स अचानक रुक कर पीछे भागता है और बुल फिसल कर उठता है, दूसरी दिशा में इस शख्स का पीछा करने लगता है। इस शख्स को लगा था उसने बुल को चकमा दे दिया, लेकिन लोगों के शोर से इसे पता चलता है बुल उसके पीछे आ रहा है। बुल सीधे इस शख्स को जाकर टक्कर मारता है और ये शख्स गिर जाता है। इसके बाद से शख्स नाराज बुल के गुस्से का शिकार बनता है। बुल लगातार इस शख्स को अपनी सींगों से मारने लगता है। लोग इस बुल का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुल तो मानो इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से एक शख्स बुल की पूंछ पकड़कर उसका ध्यान भटकाता है और बुल दूसरे लोगों के पीछे भागता है। देखिए, इसके बाद से ये शख्स बुल के निशाने पर आता है, लेकिन बुल के मुड़कर आने पर वो उसे डॉस देकर भाग जाता है। फिर दूसरे लोग बुल को उकसाने की कोशिश करने लगते हैं। इधर घायल व्यक्ति को लोग अस्पताल ले जाते हैं।